हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जो मेरे युवा साथी हैं, मैं दिलीप खंडेलवाल फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने जो इसके जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का क्या होती है, कैसे अपने पास क्या उसकी प्रॉपर्टी रहती है, 8-9 प्रॉपर्टी थी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे पास आता है यूकावा मेजन सिद्धांत। तो अपने पास यूकावा मेजन थ्योरी नाम से एक सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, तो वो यूकावा मेजन थ्योरी क्या कहती है, किस रिलेटेड है, वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अपने पास यूकावा मेजन थ्योरी की जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी यूकावा मेजन थ्योरी की। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास सबसे पहले अपने पास जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पड़ी थी उसमें अपन एक फोर्स पढ़ा था, विनिमय फोर्स यानी एक्सचेंज फोर्स। तो एक्सचेंज फोर्स में मैंने क्या बताया था कि कोई भी नाभिक होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है या उत्सर्जित करता है। तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा, वो स्थायित्व में आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि 1932, बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, 1932 में हाइजेनबर्ग कौन था, 1932 में नाम सुना होगा आपने हाइजेनबर्ग का, अनिश्चितता का सिद्धांत सुनते आए हो काफी पहले से। तो 1932 में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ने क्या बताया था, उसने बताया था कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक बात करते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन की, एक बात करते हैं पॉजिट्रॉन की, या फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या अवशोषण, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करना और अवशोषण करना। यदि इस टाइप की बात करते हैं कि 1932 में हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन यानी मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, यानी -1 e₀, तो 0 n₁, ऐसे अपने पास 1 प्रोटॉन होगा, वो क्या होगा अपने पास इसको करके किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में। ये दो तरह की रिएक्शन है अपने पास। देखो इसमें न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। यानी न्यूट्रॉन यदि प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे उत्सर्जित करेगा। यदि बात करते हैं अपन सेकेंड की, 1p₁ प्लस -1 e₀ इज इक्वल टू 0 n₁, यानी ये क्या प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में, पर इसके साथ एब्जॉर्ब हो रहा है या इमिट हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास एब्जॉर्ब यानी अवशोषण हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है तो वो क्या करता है, न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि जब इसमें इस तरह की कोई रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का अवशोषण या उत्सर्जन होगा तो उसमें क्या होगा, एक विनिमय फोर्स लगेगा, यानी विनिमय फोर्स की व्याख्या करेगा। तो विनिमय फोर्स की व्याख्या क्या थी अपने पास, तो विनिमय फोर्स यानी उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स को नहीं समझा सकता था, इसलिए इसने क्या किया कि अपने पास एक नया इंसान आया युकावा नाम का। तो वो कब आया अपने पास, 1935 में आया युकावा। तो उसने क्या किया, न्यूक्लियर फोर्स को इससे डिफाइन कर लिया, यानी इसने क्या किया था कि इसने केवल यही बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होगा या तो उत्सर्जित होगा या अवशोषण होगा, तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, कुछ बल का विनिमय होता है। तो इसने केवल इतना सा बताया था कि ये क्या करेगा, फोर्स का एक्सचेंज करेगा या तेजी से बल का विनिमय करता है। अब ये न्यूक्लियर फोर्स को समझाने के लिए युकावा ना आया, उसने क्या बताया, 1935 में आया था युकावा। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेजोन सिद्धांत, देखो युकावा तो इसका खुद का नाम है और मेजोन उसके पीछे लिखा हुआ अपने पास मेजोन थ्योरी। तो मेजोन भी एक तरह के पार्टिकल होते हैं, पायन होते हैं, मेजोन होते हैं, हेड्रॉन होते हैं। तो वो क्या होते हैं अपने पास, यदि मेजोन पार्टिकल की बात करें तो इसने 3 पार्टिकल बताए मेजोन के, जिसमें π+ बताया, π₀ बताया और π- बताया। वैसे अपन इन इन तरह के पार्टिकल के, आप जो पार्टिकल फिजिक्स वाली यूनिट है पार्टिकल फिजिक्स की, उसमें इस लास्ट वाली यूनिट है तो उसमें डिटेल से करेंगे। तो एक बार यहाँ पे केवल अपने पास नाम आ रहे मेजोन, इनको कहते हैं अपन तीनों को कहते हैं पायोन, पायोन। तो देखो इसमें पायोन पर तीनों पर क्या है, चार्ज अलग अलग है, एक तो है अपने पास π+ है, दूसरा क्या है अपने पास उदासीन है यानी न्यूट्रल है, और तीसरा क्या है ऋण आवेशित, यानी एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है, और तीसरा क्या है धन आवेशित, उदासीन और ऋण आवेशित। तो यहाँ पे युकावा कहता है कि जो अपने पास पायोन है, कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो पायन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है और अवशोषित करता है। तो उसने कुछ ऐसी रिएक्शन भी बताई है, तो मैंने रिएक्शन आपके सामने लिख रखी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने बताया, हाइजेनबर्ग ने केवल वही बताया था कि वो फोर्स का क्या करता है, विनिमय करता है। अब फोर्स का विनिमय तो करता है, पर युकावा ने क्या बताया कि कौन से पार्टिकल से करता है। तो युकावा ने बताया था कि मेजोन नाम के 3 पार्टिकल है, π+, π₀ और π- पायोन, जिसे पायोन कहते हैं, तो उससे क्या करता है, वो विनिमय करता है। यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल देखो, फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या कहती है अपने को,
फर्स्ट रिएक्शन ये कहते हैं कि अपने पास ये क्या प्रोटॉन है और ये क्या है न्यूट्रॉन है। अब ये क्या कर रहा है, युकावा ने बताया वो ये या तो पायन का अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा और दूसरे पार्टिकल में चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन था, प्रोटॉन ने क्या किया पाई प्लस को क्या किया उत्सर्जित किया यानी इमिटेड किया, यानी इसको इमिट किया। तो इमिट करने के बाद जो प्रोटॉन था वो किस में कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। यानी मैंने क्या माना कि जब प्रोटॉन था प्रोटॉन ने पाई प्लस यानी धनावेशित पायन को उत्सर्जित किया तो वो कन्वर्ट किस में हुआ न्यूट्रॉन में। ये न्यूट्रॉन तो ऐसे का ऐसे रह गया अपना। फिर जब आगे वाली रिएक्शन क्या कहती है तो यहाँ पे तो क्या हो गया पाई प्लस का उत्सर्जन हो गया, यानी अपन कह सकते हैं कि पाई प्लस यानी धनावेशित पायन का क्या हुआ उत्सर्जन हुआ। अब अपन जब इसके नेक्स्ट वाली स्टेप में बात करते हैं, यहाँ लिखा है न्यूट्रॉन तो ऐसे का ऐसे ऐसे रखा, अब अपन ने कहा है कि ये पाई प्लस है वो इसके साथ क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये पाई प्लस जो मैंने ब्रैकेट बनाया, देखो यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था, यहाँ पे प्रोटॉन क्या था पाई प्लस का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट बनाया यानी पाई प्लस के साथ पाई प्लस न्यूट्रॉन के साथ क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है पाई प्लस का अवशोषण हो रहा है। जब पाई प्लस का अवशोषण हो रहा है तो ये क्या करेगा अवशोषण करने के बाद वापस किस में कन्वर्ट होगा, ये न्यूट्रॉन तो ऐसे का ऐसे है तो ये वापस किस में कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। तो एक ही चीज इसमें ध्यान रखने की है बस यही चीज है, युकावा भी यही कहता है कि अपने पास जब भी कोई यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन धनावेशित पार्टिकल यानी धनावेशित पायन का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसके नाभिक, और यहाँ पे क्या कहता है कि धनावेशित यदि पायन का अवशोषण करता है तो वह प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज आपको इस रिएक्शन से पता लग रही है। ऐसे ही अपने पास सेकंड रिएक्शन आती है तो सेकंड रिएक्शन क्या कहती है, सेकंड रिएक्शन है अपने पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन। तो देखो एन प्लस पी, यहाँ पे बात करते हैं कि अपने पास एन है और पी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी अपने पास धनावेशित पायन की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है अपने पास ऋणावेशित पायन यानी पाई के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है नेगेटिव है। तो यदि मैं बात करता हूँ पी प्लस पाई माइनस तो ये कैसे होगा अपने पास, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो इसमें देखो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ने क्या किया पाई माइनस का उत्सर्जन किया इमिटेड किया और किसमें कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। यानी जब कोई न्यूट्रॉन है वो यदि ऋणावेशित पायन को क्या करेगा उत्सर्जन करेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपना पी कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन ने ऋणावेशित पायन का उत्सर्जन करने पर किसमें कन्वर्ट हो गया पी में। अब मैं कहता हूँ कि यदि कोई अपने पास का न्यूक्लियस और है वो इसके साथ भी क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या है ऋणावेशित ये कि ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिख लिया पी ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब जो ये पायन था ये पायन क्या करेगा इसके साथ क्या करेगा अवशोषण करेगा, जब ये वाला इसके साथ अवशोषण करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये दोनों मिलकर कन्वर्ट हो जाएगा वापस न्यूट्रॉन में। तो जो देखो ऊपर वाली रिएक्शन है और नीचे वाली रिएक्शन है सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा है केवल डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे पाई प्लस का उत्सर्जन हो रहा है पाई प्लस का अवशोषण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है पाई माइनस का उत्सर्जन हो रहा है और पाई माइनस का अवशोषण हो रहा है। तो युकावा बताता है वो यही चीज बताता है कि अपने पास यहाँ पे न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन यदि ऋणावेशित पायन का उत्सर्जन करके प्रोटोन में परिवर्तित हो जाता है और यदि पाई माइनस यानी ऋणावेशित पायन प्रोटोन के साथ अवशोषण करके वापस न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड की, तो थर्ड है अपने पास पी प्लस पी यानी प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। यदि मैं बात करता हूँ प्रोटॉन और प्रोटॉन और यहाँ पे बात कर लिया कि यदि प्रोटॉन के यदि प्रोटॉन से ऋणावेश प्रोटॉन से उदासीन पायन, उदासीन पायन का क्या हो रहा है यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, तो यदि उदासीन पायन का उत्सर्जन होता है तो वो किसी भी पार्टिकल में चेंज नहीं होता है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन ही रहेगा प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ही रहेगा। बल्कि यहाँ पे क्या था पाई प्लस और पाई माइनस जब वो उत्सर्जित कर रहा था तो पार्टिकल भी चेंज कर रहा था, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन कर रहा था न्यूट्रॉन का प्रोटॉन कर रहा था, तो पाई जीरो का उत्सर्जन होता है और अवशोषण होता है तो वही पार्टिकल रहता है। तो अपने माना कि यहाँ पे क्या था अपना प्रोटॉन था, यदि वो पाई जीरो यानी उदासीन पायन का उत्सर्जन करेगा तो भी अपने पास क्या रहेगा प्रोटॉन रहेगा। अब अपन कह सकते हैं कि ये पाई नॉट है और पाई उदासीन पायन के साथ यदि वापस एब्जॉर्ब भी करेगा यानी अवशोषण करता है तो अवशोषण करने के बाद भी क्या रहेगा पी प्लस पी रहेगा, यानी अपने पास जो पार्टिकल था वो के वही पार्टिकल आ जाएंगे। देखो यहाँ पे पी प्लस एन था तो रिएक्शन होने के बाद क्या आ गया था एन प्लस पी आया था, यहाँ पे एन प्लस पी था इसका ऑपोजिट क्या आ गया था पी प्लस एन, पर यहाँ पे क्या उदासीन पायन की बात हो रही जो क्या है न्यूट्रल है तो यहाँ पे ये पार्टिकल में चेंज नहीं करेगा, केवल क्या क्या रहे कि पी यदि उदासीन पायन को क्या करेगा उदासीन पायन का उत्सर्जन करेगा तो प्रोटोन में कन्वर्ट होगा, तो प्रोटोन था और प्रोटोन में कन्वर्ट होगा और यदि ये इसके साथ एब्जॉर्ब करेगा तो भी क्या रहेगा प्रोटोन में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया अपना थर्ड।
इसके बाद करते हैं अपन फोर्थ की, तो फोर्थ क्या है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या देता है, एन प्लस फाइव नॉट, तो आई एन प्लस फाइव नॉट क्या देता है, वही ये सेम चीज जो ये वाले रिएक्शन है वही किसमें लिए, न्यूट्रॉन के लिए। यदि कोई एन है, एन पायोन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यदि एन पायोन का उत्सर्जन करता है तो ये तो क्या दे देगा अपना, न्यूट्रॉन ही देगा, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा था। यदि वो इसके साथ क्या करता है, अवशोषण करता है, तो भी वो क्या देगा अपने पास, न्यूट्रॉन ही देगा। तो युकावा मेजन थ्योरी केवल इतना सा बताती है कि अपने पास जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पाई प्लस पाई माइनस और पाई नॉट, यानी धनावेश पायोन, ऋणावेश पायोन और उदासीन पायोन का उत्सर्जन और अवशोषण कर पार्टिकल को एक दूसरे में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यही क्या अपनी युकावा मेजन थ्योरी है। तो ये युकावा मेजन थ्योरी भी अपने को यही कहती है। तो इसने क्या किया, जो इनके बीच में लगने वाले फोर्स है, यानी जो अल्प दूरी पर जो फोर्स लगते हैं, यानी अल्प दूरी पर अपन को पता है कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो ये इसने क्या किया, इसी के द्वारा नाभिकीय बल की व्याख्या की थी और नाभिकीय बल को समझाया था। तो इसीलिए इस युकावा का नाम काफी फेमस माना जाता है। तो इसने क्या बताया, केवल मेजन थ्योरी बताई थी। तो मेजन थ्योरी इसलिए क्योंकि अपने पास मेजन पार्टिकल काम में लिए, पाई प्लस पाई नॉट और पाई माइनस, उसी के बेस पे इसने क्या किया है, एक दूसरे में पार्टिकल को कन्वर्ट किया। तो आपको ये थ्योरी के रूप में नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बना के भी लिख सकते हो। रिएक्शन भी आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है। समझना क्या है कि वो सबसे पहले पाई प्लस का हो रहा है, फिर पाई माइनस का है, फिर पाई नॉट का है। तो पाई नॉट में तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये क्या है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में करेगा और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में करेगा, ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और प्रोटॉन का वापस न्यूट्रॉन करेगा, तो वही चीज है। तो ये क्या हो गया अपने पास, युकावा मेजन सिद्धांत हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है बीएससी में। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास न्यूक्लियर पोटेंशियल। एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अपने हमने क्या पढ़ा था, इसे जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने युकावा मेजन थ्योरी। तो युकावा मेजन थ्योरी के बाद जो आपका थर्ड टॉपिक आता है वो क्या आता है अपने पास, न्यूक्लियर पोटेंशियल यानी नाभिकीय विभव। यदि मैं नाभिकीय विभव की बात करता हूँ तो नाभिकीय विभव में क्या होगा अपने पास, देखो आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम में क्या, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी वही पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्मॉल आर डिस्टेंस रहती है वो रेंज बनाई है मैंने स्मॉल आर। तो अपन कह सकते हैं कि जो नाभिक विभव बताता है वो क्या बताता है, हम जानते हैं कि जो नाभिक बल होता है वो कैसा रहता है, आकर्षण भी रहता है यानी अट्रैक्टिव भी रहता है और रिपल्सिव भी रहता है। तो मैंने दो वैल्यू बताई थी। यदि अट्रैक्टिव की बात करें, तो क्या होगा अपने पास, यदि अट्रैक्टिव में तो मैंने एक जगह तो रेंज बताई थी 1.5 फर्मी से 2 फर्मी, पर ये 1.2 फर्मी से कई किताबों में तो ये दे रखी है और कई दे रखी है 0.5 फर्मी से 2 फर्मी। तो एग्जैक्ट जो मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 0.5 फर्मी से 2 फर्मी, क्योंकि अपने पास जो 0.5 फर्मी से कम की बात करता है, यदि ये कम की बात करता है तो कम की बात में तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा अपने पास, कौन सा, मैंने बताया था कि 0.5 फर्मी के कम की बात करें तो वहां पर फोर्स कौन सा लगेगा अपने पास, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि इसके ज्यादा की बात करता है तो वो कौन सा फोर्स लगेगा, नाभिकीय बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और नाभिकीय बल कैसा रहता है, हमेशा आकर्षण बल रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। तो ये यहाँ पे ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि अपने पास यदि 0.5 × 10⁻¹⁵ मीटर की बात करता है तब तो ये क्या रहेगा, यानी इस रेंज की बात करता है तब तो ये कैसा रहना चाहिए, यहाँ पे तो प्रतिकर्षित रहना चाहिए। यानी मैं इस फोर्स की बात करूँ तो ये तो क्या होगा अपने पास, प्रतिकर्षित होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ ये तो क्या होगा अपने पास, रिपल्सिव फोर्स होगा। यदि मैं इसकी इस रेंज की बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या है अपने पास, यदि यहाँ से यहाँ तक यानी 2 फर्मी की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट क्या अपने पास, 2 फर्मी है। यदि यहाँ पे बात करता हूँ तो ये कैसा होगा अपने पास, नाभिकीय बल होगा, पर नाभिकीय बल भी कौन सा होगा अपने पास, आकर्षण होगा। तो नाभिकीय बल में भी यानी नाभिकीय बल क्या शॉर्ट रेंज का होता है, तो शॉर्ट रेंज उसकी फिक्स है, तो रेंज कितनी होगी आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो अपने पास जो सही मानी जाएगी वो कौन सी, 0.5 फर्मी से 2 फर्मी। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाले क्या अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स का या न्यूक्लियर पोटेंशियल है। अब इसका यदि पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये मैंने ग्राफ तो बना दिया, पोटेंशियल वेल जैसा ग्राफ, एक कुआ होता है, कुएं के जैसा क्या है ग्राफ है, तो ये आपने शायद में भी बनाया होगा।
और अपन बात करते ग्राफ की बात करें तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी जब ऐसी कोई स्थिति आएगी यानी वो उसका यू कितना देगा, माइनस का यू नॉट है। मतलब ये आर क्या है, आर है अपने पास यही 2 × 10⁻¹⁵ मीटर जो इसकी रेंज दे रखी है ये वाली यहाँ तक, यानी ये जो डैश डैश वाला बनाया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस का यू नॉट। और यदि मैं बात करता हूँ कि जो स्मॉल आर है वो क्या इससे बड़ा है, देखो इससे बड़ा है यानी ये क्या हो रहा है अपने पास इस टाइप से जीरो के पास जा रहा है। यानी जब ये वाला केस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब ये वाला केस फॉलो करेगा, यदि स्मॉल आर है वो यदि कैपिटल आर से बड़ा है तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। यदि पोटेंशियल आर कैपिटल आर से छोटा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस का यू नॉट होगा। तो ये चीज एक आपको याद रखनी है। तो जो नाभिक विभव कहता है वो यही कहता है कि यदि इस रेंज का पोटेंशियल है तो पोटेंशियल क्या देगा, माइनस का यू नॉट। यदि इस रेंज का है तो ये क्या देगा, यू नॉट। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे बीएससी में कोई इंपोर्टेंट नहीं है कि युकावा पोटेंशियल, एमएससी बेस पे आता है कि युकावा पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे। तो युकावा पोटेंशियल क्या रहता है, यू इज इक्वल टू यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर और स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो जो कैपिटल आर है वो क्या है अपनी ये वाली रेंज है 2 × 10⁻¹ और जो ये वाली रेंज है अपने पास वो क्या, अपने पास 0.5 × 10⁵। तो ये वाला रिपल्सिव फोर्स, ये वाला कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, अपना न्यूक्लियर पोटेंशियल हो जाएगा। तो अपने पास देखो जो चैप्टर नंबर सेकंड था, तो चैप्टर सेकंड में अपने पास ये तीन टॉपिक ही थे जो मैं कंप्लीट आपको करा चुका हूँ। तो एक बार मैं वापस रिपीटेशन में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक करा दिए यूनिट फर्स्ट में। देखो यूनिट फर्स्ट में जो अपन ना फर्स्ट चैप्टर था वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या था अपने पास, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिकीय बल था और उसके क्या थे, कुछ गुणधर्म थे, नाभिकीय बल एवं इसके गुण। तो ये एक क्लास में तो अपन ने पूरा यही पढ़ा है। दूसरी क्लास में पढ़ा था अपन ने युकावा मेजन थ्योरी, युकावा मेजन सिद्धांत। ये क्या हो गया, युकावा मेजन सिद्धांत हो गया। और थर्ड में क्या पढ़ा है, थर्ड में अपन ने पढ़ा है कि नाभिकीय बल एवं गुण हो गया, युकावा मेजन सिद्धांत हो गया। और थर्ड में पढ़ा है अपन ने, हमने क्या पढ़ा थर्ड में, नाभिकीय विभव। तो ये आपका एक चैप्टर था, पूरा छोटा सा था। ऐसे बुक में तो दो चैप्टर को एक में करके मिल जाएगा, कई बुक में आपको अलग भी मिल जाएगा। पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग में यदि सिलेबस की बात करता हूँ तो उसमें जो तीन पोर्शन में आपके यूनिट फर्स्ट दे रखी, तो ये इसका क्या था, सेकेंड पोर्शन था जो हम पूरा कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में उसको थर्ड पोर्शन आएगा, तो थर्ड पोर्शन आता है अपने पास नाभिकीय मॉडल का। तो जो उसका चैप्टर का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, नाभिकीय मॉडल, जिसमें तीन तरह के मॉडल बताए गए। तो एक मॉडल तो मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इसे सेल मॉडल। तो और मॉडल की व्याख्या भी करेंगे, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।